अगर आप न्यू कार परचेज करने वाले हैं और एडवांस लुक और फीचर्स के साथ बेहतरीन सेफ्टी और कंफर्ट की गाड़ी की तलाश में हैं, तो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। मार्केट में लॉन्च होने वाली है एक ऐसे अल्ट्रा एडवांस लुक की कार जो कि देखने में यूरोपियन स्टाइल की होगी। साथ में फ्यूल ऑप्शंस में आपको ये डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी सभी ऑप्शंस में मिलने वाली है, यानी कस्टमर के लिए वाइडर चॉइस होगी, चाहे वो सीएनजी ऑप्शंस परचेज करें, डीजल, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक। और टाटा मोटर्स लॉन्चिंग से पहले अपनी इस गाड़ी की टेस्टिंग कर रही है और टेस्टिंग फेज में इसे 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में और साथ ही माइनस टेम्परेचर में भी टेस्ट किया गया है, यानी कि ऑल कंडीशन में टेस्ट करने के बाद में इस गाड़ी को फाइनली लॉन्च किया जाने वाला है। और टाटा मोटर्स की इस क्रॉसओवर टाइप की कूपे एसयूवी में कई ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो फिलहाल में नेक्सॉन, हैरियर और सफारी में दिए जाते हैं। इसमें आपको मिलेंगे पैडल शिफ्टर्स, रोटरी डायल, सिटी स्पोर्ट और इको ड्राइविंग मोड्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स, साथ ही सेफ्टी के लिए वर्ल्ड क्लास के एडास के फीचर्स भी इसमें मिलने वाले हैं। और इस एसयूवी में कनेक्टेड हेडलाइट और टेल लाइट्स के साथ एलईडी लाइटें और फॉग लैंप को भी दिया जा रहा है। और इस एसयूवी को जल्द ही मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी है और अगस्त मंथ में इसे लॉन्च करने के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, यानी कि इस साल के फेस्टिवल सीजन में इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अगर आप भी साल के सबसे बड़े फेस्टिवल पर न्यू कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो टाटा मोटर्स की ऑल न्यू कर्व को आप परचेज कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इलेक्ट्रिक वेरिएंट में और उसके बाद में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। और टाटा कर्व के लाइटिंग सेटअप में ग्लास ब्लैक क्लैडिंग और स्प्लिट सेटअप के साथ में एलईडी हेडलैम्प, रूफ रेल्स, डे रनिंग लाइट्स, कनेक्टेड टेल लैम्प, शार्क फिन एंटीना शामिल किया गया है। और इस एसयूवी में 18 इंच के एलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इसके फीचर्स और सेफ्टी की बात करें तो 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, एसी के लिए टच कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, JBL के साउंड सिस्टम, 3 ड्राइविंग मोड, सिटी स्पोर्ट्स, रोटरी डायल की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। और साथ में कर्व ईवी में लेवल 2 का एडास फीचर्स भी होगा। और टाटा सफारी और हैरियर में जो मिलता है इसके अलावा कार में इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, एजुकेशन ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स होने वाले हैं। 50 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में और 80 किलोवाट बैटरी पैक के साथ इसे लाया जाएगा। 500 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। और इसके बाद में इसके पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वेरिएंट की बात आती है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में फुल फीचर्स डिटेल शेयर किया जाएगा। ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल का आइकॉन भी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।